ये है आदम जमाना वाला सीपीयू। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? यही कि ये सब सीपीयू अब नहीं चलता, फिर भी थोड़ा बहुत अपग्रेड तो कर सकते हैं। इस सीपीयू में पहले से डुअल कोर प्रोसेसर और 2GB रैम। ओपन करके देखे तो रैम का एक स्लॉट खाली है और मदरबोर्ड DDR3 वाला है, और पहले से इसमें ये रैम लगा हुआ था और हार्ड ड्राइव भी है, इसलिए स्लो होगा। बजट को देखते हुए सबसे पहले तो हम इसमें SSD अपग्रेड करेंगे और एक 4GB का रैम। पहले तो रैम लगा है और फिर SSD में विंडोज 7 से काम हो जाएगा, इसलिए विंडोज 7 को इंस्टॉल कर दिए और ब्लोअर चला के फ्रेश भी कर दिए। सारा ड्राइवर और बेसिक सॉफ्टवेयर डाल के कर दिए सिस्टम को रेडी। हो गया ना सस्ता में अपग्रेड। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।